बचपन से हुक्का पीते हो, खांसी भी नहीं आती उनको, तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम देते हो। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है, ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने नहीं देता। इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। वो मुझे फिर कॉल कर रही है, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मजा लेते हो बेटा। और जब तुम किसी चीज को करते हो और समझ में नहीं आती तो माइंड का एक नेचर है बोर्डम। बच्चों को ले जाओ मंदिर, तबाही मचा दे मंदिर में, बच्चे तबाही मचा दे। तुम उनसे कितने भगवान जी बैठे, बट भगवान आरती चल रही है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हो यार। उधर दो औरतें ऐसे ऐसे बाल हिला रही, एक आदमी गाना गा रहा है, आरती उतार रहा, कर क्या रहे हो यार तुम लोग। लेकिन बच्चों को वाटर पार्क में बड़ा मजा आता है, समझ में आता है ना। मजे का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? समझ से। तुम बच्चों को ले जाओ किसी सेमिनार में, सेमिनार ऑन एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, और बच्चे को ले जाओ क्लास वन के, बैठा दो उसको आगे, 5 मिनट तो कायदे से बैठा रहेगा वो, उसके बाद जब वो तबाही मचाना शुरू, और वो ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना, कहेगा कि अभी तो गए थे फिर से आ गई। वो जानता है कुछ मुद्दों पे तुम रोक नहीं पाओगे। फिर वो बाहर जाएगा वॉशरूम में, आधा घंटा खड़ा होगा कि दर्द बहुत हो रहा है, क्योंकि वो अंदर वापस नहीं जाना चाहता है, तो उसे कोई ना कोई बहाने बनाने, बहाना। कभी तुम बच्चों का देखो, तुम शर्मा जाओगे उनके बहाने सुन सुन के। जैसे हम कभी जाते हैं कहीं ध्यान सेंटर वेंटर जाते हैं, तो हम मेरे बच्चे तुरंत कहते हैं पापा, उनको पता आज शाम को ये लोग जाएंगे ध्यान सेंटर, क्योंकि पापा आज बस किताब उताब लेके बैठे रहते हैं दिन भर। तो हम पूछते हैं कि वो चलना है ध्यान करने, नहीं वो ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि उनको पता है कि पापा पढ़ने के लिए नहीं मना करेंगे। अच्छा अच्छा पढ़ लो, आएंगे तो समझा देना, आओ तो समझा देंगे, कोई बात नहीं। उनको पता है कि आदमी हर चीज़ के लिए मना कर देगा, लेकिन अगर पढ़ने के हम पढ़ रहे हैं, अच्छा तो तुम लोग पढ़ो हम आते हैं। तुमको अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो तुम ईरान में जाके पढ़ो, यूएस में, किसी भी कोचिंग में पढ़ो, एक समय के बाद तुमको बोर्डम पैदा हो जाएगा। तुम्हारे बॉडी में दो सेंटर हैं डिफिनेशन देने वाले, एक तुम्हारा मन, मन जो है वो तुम्हारे हिसाब से वो कर रहा है। तुम सिगरेट पीते हो मान लो, तो कहेगा नेहरू जी भी पीते थे, थोड़ा सही हो गया क्या, नेहरू जी पीते, यही तो ब्यूटी है तुम्हारे मन की, वो तुम्हारे खिलाफ जाता ही नहीं, तुम्हें और मजबूत करता है वो। कि सिगरेट पीने से कैंसर होता तो पूरे यूरोप के लोगों को हो जाता, फिर तुम्हें लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि यार हमारे बाबा गांव में रहते हैं 400 साल के हैं, बचपन से हुक्का पीते हैं, खांसी भी नहीं आती उनको। ये बात सही है, ये तुम्हारा मन, वो तुम्हें जो करना होता है ना उसको स्ट्रांग कर दे। जो तुम्हें सोना है तो तुमसे कहेगा कि सुबह जो है 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो अभी सो रहे थे 3 बजे उठेंगे, 3 से 10 रिगरस पढ़ाई करेंगे। मन तुम्हारा एकदम स्ट्रांग कर देता तुमको कि बस पढ़ना है 10 घंटा, फिर तुम सो जाते हो। फिर ये 3 बजे एक बार नॉक करता है तुमको कि भाई साहब आप बोले थे 3 बजे पढ़ने के लिए, बोले आज तो 3 बजे नहीं हो पाएगा, अब ऐसे करेंगे उठेंगे 8 बजे और 8 से शाम 5 बजे तक। वो तुमसे ये नहीं कहता कि नहीं करेंगे, अगर वो ये कहते नहीं करेंगे ना तो वो पकड़ में आ जाए ना, वो आगे बढ़ा देता चीजों को। 8 से 5, 8 4 12, अरे यार 9 घंटे सो गए तो, कि 3 से 10 तो 7 ही घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे आगे बढ़ रहा है,
9 घंटे तुम सो गए, तुम उठे 9 बजे, अब तुमको गाली देगा ये कि 1 घंटे लेट हो, 9 घंटे पढ़ना था 8 ही घंटे पढ़ाई हो पाएगी। तो ऐसा करते हैं कि कल से 9 घंटे वाला रखते हैं। ये पूरी दुनिया इसी झांसे में तो बर्बाद है। और ये मजेदार बात, टच ये तुम्हारे अंदर बैठा है और तुम्हें देखने ही नहीं देता। जैसे हम अगर तुम्हें बेवकूफ बनाए तो तुम्हें दिखाई पड़ता है कि भाई साहब मुझे बेवकूफ बना रहे, ये तुम्हारे अंदर ही बैठा है और डेली बनाता है। लेकिन तुम्हें, इसीलिए कबीर ने बहुत बड़ी लाइन कही, बुरा जो देखन में चला। इफ यू टर्न बैक इन योर सेल्फ एंड सी योर सेल्फ एवरी डे, यू आर बिफूल्ड बाई योर सेल्फ। पर ये तुम मान कैसे लो कि हमको, हम ही बेवकूफ बना रहे। हाँ, और तुम्हें एक राय दे दी तुम्हारी कॉन्शियस, जिस पर बात करना ही बेकार है, क्योंकि ना तो तुम कुछ उसके बारे में जानते हो और ना मैं कुछ उसके बारे में जानता हूं। हमें पता है कि बुद्ध कॉन्शियस पे थे, महावीर कॉन्शियस, ये सिर्फ हमें पता है, लेकिन वो चीज क्या है ये हम दोनों को नहीं पता। तो बुद्ध जो है शराब खाने में भी बैठ के प्रवचन कर देंगे, हम बैठ के पी लेंगे कि आ ही गए तो एक ले लो। कि जब अंदर आ ही गए हो, एक दिन पीने से कुछ नहीं होता, उसमें 4-5 लोग और आ जाएंगे कन्विंस करने वाले कि जन्नत में भी तो बहती है। हाँ हाँ, जन्नत में बहती है, भगवान भी तो पीते हैं, सोम रस का पान देवता करते हैं, 4-5 लोग आके बोल देंगे। तो जो हल्का सा सीट पड़ा था तुम्हारे अंदर की एक बियर पी ही ले, वो मजबूत हो गया। तुमने कहा 4 पैक स्कॉच ही लिया। लेकिन बुद्ध का इनर कॉन्स्टेंट इतना स्ट्रांग है कि वो बंदा बियर बार में भी बैठेगा तो प्रवचन ही करेगा, उसको कोई नहीं समझा सकता। वो पता नहीं किस लेवल पे बैठा है वो आदमी, उसके लिए जगह इंपॉर्टेंस ही नहीं रखती। वो वैश्यालय में भी जाएगा तो वैश्याएं बैठकर उसको सुनेंगी। हम कहते ना संत वैश्यालय में नहीं जा सकता, वो कहीं भी जा सकता है, हम नहीं जा सकते क्योंकि हम कमजोर हैं अंदर से। बुद्ध तो जा ही सकते हैं, अमरपाली को लेकर आए कि नहीं आए? तुम्हें कोई डाकू रात में रोक ले, देखो हम तो तुरंत घड़ी वड़ी निकाल के देंगे, भैया घड़ी ले लो, पर्स ले लो भैया। बुद्ध डाकू को ही लूट लाए, अंगुलीमाल को पकड़ के ले आए। वो प्रसन्न जीत आता है कौशल का राजा की, कहाँ है? बोले ये बगल में बैठा। उठ के दूसरी तरफ आगे बैठ जाता है कि पागल आदमी है, पता नहीं कब निकाल के डाल दे। तो अब तुम डिसाइड करोगे। सर, सोने से पहले जो कमिटमेंट करने वाला मन है वो कौन सा है, और सोने को उठने को स्किप कर रहा है वो कौन सा मन? दोनों तुम ही हो, लेकिन चूंकि तुम अंधे हो, इसी को तो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस कहते हैं। दोनों तुम ही कर रहे हो, अपने एक पंजे से दूसरा पंजा लड़ा रहे हो तुम, और तुम कह रहे हो दाहिना वाला कमजोर है। तुम ही एनर्जी दे रहे हो। जैसे तुमने मन किया, तुम्हारे मन ने कहा कि दारू पीते हैं, तो दूसरा रोक रहा है, दो मन एक साथ पैदा हो गए। अब अगर तुम दारू पीने वाले के साथ खड़े हो गए तो कौन ताकतवर हो गया? तो तुम पी लोगे। तो तुम डेली खुद से ही हारते हो। व्हाट इज मेडिटेशन? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, वॉचिंग योर सेल्फ। तुम हमेशा दूसरों को ब्लेम देते हो। When Buddha got enlightenment, he went to meet his wife, Yashodhara. तो यशोधरा asked him कि I don't have any anger on you, I'm not angry with you, I simply want to ask a question कि whatever you have got there in the jungle and the forest, was it the thing if you had bid me you would have not got it? He said, no, I would have got it with you also. That is why I am here to say sorry to you, and I am here to accept that you were very powerful, I was not able to resist you. This is what Buddha says after meeting with Yashodhara. तुम्हारी जिंदगी का रिपोर्ट कार्ड दूसरे के हाथ में है,
द रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर लाइफ इज इन योर इन अदर्स हैंड. आपने कहा साहब मेरी गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो गया है, वो मुझे फिर कॉल कर रही है, तो उठा लो. वो मुझसे फिर मिलना चाहती है, मिल लो. वो मुझे डिस्टर्ब करेगी, बहुत मारेंगे डंडा उठा के. सारी बात खुद ही कहते हो यार. क्या ख्याल है? तुमको कोई नहीं परेशान करता. अ सन्यासी वेंट टू मीट राजा जनक एंड ही सेड कि दिस वर्ल्ड इज क्रिएटिंग द ट्रबल फॉर मी. तो राजा जनक गॉट अप, ही वाज अ वेरी फेमस किंग, फिलोसोफर किंग. ही गॉट अप, ही वेंट टू अ पिलर एंड ही हेल्ड द पिलर एंड देन ही स्टार्टेड शाउटिंग लीव मी. तो सन्यासी वाज वॉचिंग हिम एंड देन सन्यासी सेड कि पागल हो यार, यू आर होल्डिंग द पिलर. हाँ बोले यही समझा रहा हूं तुझको. तुमको किसी ने नहीं पकड़ा है, तुमने पकड़ा है. मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं पा रहा हूं. क्यों? मैं उसे बहुत प्यार करता हूं. मजा लेते हो बेटा? प्यार व्यार तो बहुत दूर की बात है. 7 अरब लोग दुनिया में हैं, कोई 1-2 करता होगा. सब ड्रामेबाजी की बातें मत करो.